तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, दोनों मूवी का ट्रेलर आ चुका है। मूवी के अंदर आपको दो बड़े बड़े कलाकार दिखेंगे और दोनों ही बड़े कलाकार के बेटे दिखेंगे। यानी कि राजवीर देवल तो आपको सनी देवल के बेटे हैं, ये तो पता ही होगा, लेकिन पलोमा वो पूनम ढिल्लन की बेटी है, ये शायद सबको नहीं पता होगा, तो मैंने बता दिया, अब शायद पता लग चुका होगा। फिलहाल दोस्तों, मूवी की कहानी भाई काफ़ी बेहतरीन है। मूवी को डायरेक्ट किया सूरज बड़जात्या के बेटे अवनीश बड़जात्या ने। अब राजश्री प्रोडक्शन की जो मूवीज़ होती हैं वो मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो आप लोगों को पता है कि कैसी होती हैं। प्रॉपर एक फैमिली वाली मूवी होती हैं, आप लोग अपनी पूरी फैमिली को ले जाके मूवी देख सकते हो, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। सेंसर बोर्ड में जब ये मूवी जाती है तो भाई क्यों लाओ, ये लो जाओ, तो ऐसा होता है, क्योंकि पता है भाई कैसी है और कौन प्रोडक्शन हाउस है। फिलहाल दोस्तों, मूवी के ट्रेलर के ऊपर चलता हूँ, कुछ कहानी समझने की कोशिश की है। अगर आप लोगों के एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड हैं और वो लोग आपको अपनी शादी में बुलाना चाहते हैं, तो आप उन चीज़ों को जो है नज़रअंदाज मत करो और उनको मना मत करो और अपना दिल मत दुखाओ कि भाई मैं नहीं आऊँगा या मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि मूवी आपको यही तो बताने की कोशिश करती है, एक लड़का या एक लड़की 6 साल या 10 साल किसी के साथ एक रिलेशनशिप में है और अचानक से उनका रिलेशनशिप टूट जाता है, तो जब उसको ये पता लगता है कि उसी से मैं, जिससे मेरा रिलेशन था या जिसकी मैं गर्लफ्रेंड थी, जिसका मैं बॉयफ्रेंड था, उसकी शादी हो रही है और वो हमें बता रहा है और हमें बुला भी रहा है कि आप आओ शादी में, तो ये जो कहानी है ये प्रॉपर इसी पर डिपेंड है। राजवीर देवल 10 साल से, मतलब बचपने से, एक अपनी जो पुरानी दोस्त होती है उससे प्यार करते होते हैं, लेकिन राजवीर ने उस लड़की को नहीं बताया होता। अब जब नहीं बताओगे तो भाई नुकसान में तो रहोगे ना। अब लास्ट में जब ये पता लगता है कि राजवीर को कि लड़की की शादी हो रही, तो लड़की खुद फ़ोन करके बुलाती है और बोलती है कि भाई मैं शादी नहीं करूँगी अगर तुम नहीं आए, तो मजबूरन राजवीर को जाना पड़ता है। और यहाँ पर मैं लड़की को भी सही कहूँगा, क्योंकि जब राजवीर ने नहीं बताया है तो अब दूसरा चलते हैं, पलोमा। पलोमा जो है भाई, जिस लड़के की शादी में जाती हैं तो वो उनका एक्स बॉयफ्रेंड होता है और वो भी उन्हें शादी में बुलाता है, जो कि उनका एक रिलेशन टूट जाता है, तो यहाँ पे पलोमा को काफ़ी गुस्सा आता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, कहानी का एक सीन है जब पलोमा बोलती हैं राजवीर से कि तुम ये शादी तोड़वाने आए हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शादी तोड़वाने वो खुद नहीं आए, शायद ये आई हैं। मूवी की कहानी में दोस्तों यही है कि दोनों लड़का लड़की यानी कि दूल्हा दुल्हन की तरफ से जाते तो हैं, लेकिन दोनों ही राजवीर और पलोमा एक दूसरे को वेडिंग एक प्रोग्राम में मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक दूसरे को टाइम देना शुरू कर देते हैं। टाइम स्पेंड करना दोनों को काफ़ी पसंद आता है दोनों का एक साथ, और वो काफ़ी जगह बैठते हैं, बात करते हैं, आई थिंक सॉन्ग भी होंगे, तो खाते पीते हैं। मतलब प्रॉपर मूवी में जो दिखाया गया है वो बिल्कुल ये दिखाया गया है कि भाई जो एक रियल लाइफ में होता है, आप एक शादी में गए, वहाँ पे आपने बहुत से लोग होते हैं जो एक लड़का लड़की पसंद आ जाते हैं, वो दोनों बैठते हैं, बात करते हैं, आगे जाके फिर क्या होता है वो तो आपको पता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब दोस्तों, जैसे जैसे चीज़ें खुलती हैं तो दोनों एक दूसरे के सीक्रेट्स एक दूसरे को बताना भी शुरू कर देते हैं, और ये भी कहते हैं कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो उसकी शादी उस लड़की से हो रही है, या फिर वो कहता है कि मैं जिससे प्यार करता था उस लड़की की शादी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से हो रही है, तो यहाँ पे दोनों एकदम से ओपन हो जाते हैं और कहीं ना कहीं, और जब मूवी मतलब जब मूवी ख़त्म पे है और जो एक वेडिंग है वो भी ख़त्म पे है, मतलब शादी हो चुकी है, तो लास्ट में एक बीच पे जब ये दोनों बैठे होते हैं तो वहाँ पे राजवीर बोलते हैं कि मैं जो है कल जा रहा हूँ और मेरी फ़्लाइट है, तो ये बोलती हैं पलोमा के रुक जाओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक वो जो रोक रही हैं वो कहीं ना कहीं प्यार का इजहार करेंगी और वो बिल्कुल लास्ट दी एंड होगा मूवी का, और वो यही होगा कि भाई लास्ट जो है ख़त्म है और अब ये दोनों मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी यही कहानी चलेगी। मूवी के बीच बीच में आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सीन भी दिखाए जाएंगे जो थोड़े से सैड होंगे, जैसा कि मैं ये मानता हूँ कि सूरज बड़जात्या की मूवी में ऐसा तो भाई होगा, एक्चुअली में एक ही रेंज पे मूवी नहीं चलती है, थोड़ा सा ऐसा सीन भी होता है जो कि रोने धोने से भरपूर होता है, जो कि आपने देखा होगा राजश्री प्रोडक्शन की जो बहुत बड़ी बड़ी मूवीज है, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, तो ये जो मूवीज हैं, ये जो उन्होंने कंटेंट दिए हैं
ये भूले भुलाए नहीं बोलते, ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, टीवी पे भी आते हैं भाई, कोई नहीं छोड़ता, सभी देखते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मुझे ट्रेलर जो है अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। मूवी भाई सनी देओल के बेटे की है, तो आई थिंक चल सकती है, कोशिश ये है कि चल जाए। ठीक है, 25 अक्टूबर को आ रही है, सॉरी 25 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को मूवी आ रही है, लेकिन 25 सितंबर की इसकी डेट थी, 25 सितंबर या 25 अगस्त की, जो कि आगे बढ़ा दी है। वो इसलिए बढ़ाई है क्योंकि भाई बड़ी बड़ी मूवीज हैं, दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल दोस्तों ट्रेलर काफी अच्छा है, अगर ट्रेलर नहीं देखा तो भाई जाके देखो। ट्रेलर का रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।